मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था दुबई फेस्टिवल सिटी का, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको ऊपर लिंक मिल सकता है। उस पर मेरा एक दोस्त ने कमेंट किया, कह रहा था कि आप तो खुद दुबई में मज़े कर रहे हो लेकिन ये वीडियो जो लोग देखेगा पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में तो वो भी यही सोचेगा कि दुबई में तो मज़े, हमें भी जाना चाहिए। और जब वो लोग यहाँ आएगा और फंसेगा तो फिर आपको बद्दुआएं देगा भाई। तो मैंने सोचा कि उस जगह का वीडियो भी बनाना चाहिए जहाँ मेरे जैसा वर्कर लोग रहता है। तो वीडियो देख के बाद में अपना डिसीजन खुद लेना कि हमें जाना चाहिए दुबई में या नहीं। पहुँच गया लेकिन आज जुम्मा है, एक तो लोग बहुत ज़्यादा है और दूसरा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सारे लेबर का छुट्टी है तो यहाँ कोई सुपरमार्केट है तो शॉपिंग के लिए कोई आया हुआ है और कोई ना कोई वैसे भी बस रूम में तंग होकर बाहर निकल आया हुआ है। रश भी बहुत है, गर्मी भी बहुत। जून जुलाई की महीने में इस गर्म रोड पे खड़े होकर जुमे का नमाज पढ़ना वाकई मुश्किल काम है। यार बस गर्मी तो बहुत था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम इतना अच्छा हो गया कि बादल हो गया, पता नहीं अल्लाह करे बारिश भी हो जाए। अभी हम बाहर निकल आए रूम से, साथ में बहुत सारे दोस्त हैं, जवार भी है और वो तीन चार दोस्त हैं, अनवर भी है, लिया सर भी है। तो अभी हम जाने बंगाली मार्केट में, थोड़ा सा घूमे फिरेगा। ये ऐसा मार्केट है कि आपको हर जगह में नहीं मिलेगा, सिर्फ उधर मिलेगा जिधर लेबर स्कैम्स होगा। तो सुबह से अभी रश ज़्यादा हो गया, पता नहीं मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया और सब लोगों का जितने जितने काम थे, कपड़े इस्त्री करना, क्लीन करना, बर्तन धोना, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अभी बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकाले हुए हैं, पहले तो इतना नहीं था सुबह सुबह लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया। ये सारे लोग बस का वेट कर रहे हैं, कहीं कोई कोई अपने फ्रेंड्स के लिए आया हुआ है तो वो अब जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इधर इतना रश होता है कि एक बस आके उसमें जगह नहीं मिलते तो फिर दूसरी बस के लिए एक एक घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, तो इसलिए रश बहुत ज़्यादा। और आज है जुम्मा, पहुंच गए हम मार्केट पर। इस साइड पे आपको ब्लैंकेट्स मिलेगा सारा, उस साइड पे वो मोबाइल बैटरीज वगैरह और लास्ट साइड में रूट्स और आगे पता नहीं क्या है। सेम ऐसा है जिस तरह हमारा शिवा अड्डे में हफ्ते के दिन जो मंडी लगता है, लेकिन उसमें जानवर होते हैं और साथ साथ में ये सामान भी होते हैं। यहाँ पर जानवर नहीं होते, जानवर के अलावा आपको सब कुछ वही सामान यहाँ पर मिलेगा, मोबाइल्स, ब्लैंकेट्स और भी कुछ छोटे मोटे आइटम्स। मार्केट की दुनिया की हर चीज़ मिल रही है यहाँ पर, ब्रांड भी मिलेगा, कॉफ़ी भी मिलेगा, लेकिन शॉपर हमारे साथ एक दोस्त भी मिल गया जो कि जवार का दोस्त है। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद फजल।
यूट्यूब में आ रहे, बाद में अपने वीडियो देख लेना। अपने आप को कैसे लग रहे स्क्रीन में? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच यार, थैंक्स। ज़्यादातर यहाँ वो लोग बिजनेस कर रहे जो लोग आम दिनों में मजदूरी कर रहे हैं कंपनियों में शेडो पे, लेकिन फ्राइडे इनका छुट्टी होते तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए एक चादर पे रख के, कोई फ्रूट बेच रहे, कोई ब्लैंकेट्स बेच रहे, और कोई कोई लोग मतलब कुछ और एक्टिविटी बेच रहे। तो ये भी एक अच्छा काम है यार, अपने लिए छुट्टी के दिन भी मेहनत करके कमाई कर लेता है, तो इसे परदेश कहते हैं। और ये हमारे साथ ये जो कि इसका दूसरा काम ही नहीं है, महीना हो गया रूम पे बैठे हैं, ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए आज समोसा बेच रहा था, लेकिन आज का छुट्टी था, समोसा वो मेरा वाला रूम में था ना, वो उसको पहन दिया, और आज छुट्टी भी था, तो पूरा मेरा कारोबार तो खराब हो गया। छुट्टी तो जुम्मे के दिन तो पब्लिक बहुत होते, समोसा ज्यादा बिकेगा तो मुनाफा होगा। तो सही, इधर मैं अभी समोसा लगाएगा कसम से पूरा लोग लेगा, बहुत पैसा कमाएगा। हाँ, लेकिन यार वो पूरा सामान उठा के लेके गया और फन लगाया, पैन लगाया कंपनी ने, पैन दिया। आज पूरा कारोबार खराब हो गया, तो आज इसलिए आप मजे कर रहे, देख रहे, एंजॉय। यार ये वो, यार ये सीधा साधा आदमी है मेरे सब दोस्तों में। जाते चलते चलते हमारे दोस्त मिल रहे, मेरा दोस्त नहीं, मैं तो नहीं जानते, लेकिन मेरे सीधे साधी दोस्त का दोस्त है। ये भी पता नहीं कुछ भेज रही है क्या? हाँ वो परना, इसको कतरा भी बोलते हैं ना, कतरा। अच्छा ये वो चपुट के बोलते हैं, चपुट के पश्तों में इसको चपुट के बोलते हैं, इसको पश्तों में चपुट के बोल रहे। जब भी आते थे ऐसे लोगों से, यार कभी कभी खरीद लिया करो, बहुत मेहनत कर रहे इस गर्मी में, थोड़ा बहुत उनका दिल खुश हो जाएगा। अब इंटर हो गए वहाँ पर जहाँ पर सारा सब्जी का सेक्शन है, यहाँ पर आपको सब्जी और साथ में कुछ फ्रूट, मतलब जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना भाई, ये इसको बंगाली लैंग्वेज में बादाम कहते हैं और इंग्लिश में इसको पेनेट बोलते हैं। अगर आप कुछ खेल का शौक रखते हो, फुटबॉल का या क्रिकेट का, तो यहाँ पर आप फुटबॉल या क्रिकेट खेल सकते हैं। ये उन लोगों का ग्राउंड है जो वर्कर है, इस कैंपों में रह रहे। ये सारे यहाँ पर जो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये इन लोगों का रहन सहन का जगह है। ये यहाँ रहते दिन में शेड में काम करते, शाम में यहाँ पहुँच के सारे लोगों का रूम्स यहाँ पर है। यहाँ पर कोई और बिल्डिंग्स नहीं है सिवाय कैंपों की, ये सारे लेबर कैंप्स हैं, सारे लेबर यहाँ रह रहे। तो आप खुद ही डिसाइड कर ले कि लाइफ कैसा है, मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये भी एक ग्राउंड है, पीछे लोग वॉलीबॉल का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस साइड पर क्रिकेट का पिच है, लेकिन कोई है नहीं अभी, पता नहीं यहाँ क्रिकेट का शौकीन मेरे ख्याल से नहीं है। और फुटबॉल भी कोई कोई लोग यहाँ पर खेलता है, तो अच्छा लगता है। ये गेम मुझे सबसे अच्छा भी लगता है, थोड़ा खूबसूरत भी है, क्लीन भी है, अच्छा खासा। और इस टाइम सारे लेबर निकल के यहाँ इंजॉय करने के लिए, कोई खेलता है और कोई तमाशा करके देखता है। ओके
सोचा कि यहाँ पर तो क्रिकेट की शौकीन नहीं है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल फाइनल हो गया अभी, तो जीत लिया, मुबारक हो यार, मुबारक। पाकिस्तानी है, चकवासी सी, और चकवासी सी साथ में पीटीआई है। अच्छा दूसरा टीम कब जीत लिया यार, मेरे तरफ से तो सबको मुबारकबाद है, आप लोग भी कमेंट के इसका हौसला अफजाई के लिए मुबारकबाद देना चाहिए लाजिम। ये हमारे कप्तान है भाईजान शायद अफरीदी साहब, जिन पे पाबंदी थी इस टूर्नामेंट में, नारे भी दस मेरे पे पाबंदी थी, ये लोग जीते यार।